हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम वेक्टर पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। आज का टॉपिक है वेक्टर। तो वेक्टर के लिए हम समझ लें कि व्हाट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनके जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 किलोमीटर जाइए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 किलोमीटर ट्रैवल करिए, तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी वेक्टर होगी। अगर मैं कहता हूँ आप, जैसे मैंने मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये क्या है, साउथ है, और मैंने आपको कह दिया कि आपको नॉर्थ से टुवर्ड्स ईस्ट 30 डिग्री पे जाना है, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। कितना किलोमीटर जाना है आपको, मान लीजिए आपको 40 किलोमीटर जाना है, तो आप 40 किलोमीटर चले जाइए। 40 किलोमीटर अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, किधर, जिस भी डेस्टिनेशन में जाना है। तो ऐसी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ से इस पॉइंट से मैं ट्रैवल करता हूँ, यहाँ मैं जाता हूँ 10 किलोमीटर, यहाँ जाता हूँ 5 किलोमीटर, यहाँ जाता हूँ मैं 7 किलोमीटर और यहाँ वापस आ जाता हूँ। तो जब मैं वापस आ जाता हूँ तो इस केस में आपने सुना होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाता है, पर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डिस्टेंस है आपकी 12 किलोमीटर, तो टोटल जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस तो कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 10 प्लस 5 10 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 12 किलोमीटर, पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है कि प्राइमरी और जो लास्ट पोजीशन है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है उनका डिफरेंस, तो उसमें कोई डिफरेंस आया नहीं, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो दैट इज़ वाई डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने किस किस डायरेक्शन में मूव किया। और डिस्टेंस कैसी चीज़ है, डिस्टेंस कैसी चीज़ है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो आप समझे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो जैसे मैंने 5 किलो का एक, 5 किलो वजन की एक मैंने कोई वो पत्थर उठा लिया, तो 5 किलो वजन का जो पत्थर उठा लिया तो वो कैसी चीज़ है, तो 5 किलो उठाना यानी 5 केजी, 5 केजी इज़ व्हाट, स्केलर है। लेकिन अगर मैंने उसमें बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स मुझे फिर डायरेक्शन बता दी, तो इसलिए ये फोर्स कैसा बन गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, और ये 5 किलो का पत्थर था ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कुछ चीज़ें फिजिक्स में पहले से प्री डिसाइडेड है, क्योंकि फिजिक्स में इसका वेक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत जो एग्जांपल्स भी मिलते हैं वो फिजिक्स के ही एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें वेक्टर और स्केलर का डिस्कशन होता है। तो जैसे आपको, आपने सुना होगा कि कौन कौन सी, जैसे केजी, किलोग्राम जिसकी यूनिट है, ये किलोग्राम किसकी यूनिट है, वेट की यूनिट है। तो वेट आपका कैसा हुआ, वेट आपका स्केलर है कि वेक्टर है, वेट आपका स्केलर है। आपके पास फोर्स, जैसे मैंने फोर्स बताया, फोर्स में डायरेक्शन का महत्व है, डायरेक्शन बताना पड़ेगी आपको, तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जैसे कि आपको मालूम है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बताना नहीं होती है। और आपका डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर आप स्पीड डिस्कस करते हैं, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड आपकी क्वांटिटी है स्केलर, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी मानते हैं कि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी किस में आ जाता है आपका, एक्सेलरेशन भी किस में आ जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, किलोमीटर होती है। इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन तो एक कंपोजिशन है कई चीज़ों का। तो ये वेक्टर और स्केलर में दो टाइप की क्वांटिटीज हैं, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर जानने के लिए आपको समझ में आया, जिन चीज़ों के साथ डायरेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेक्टर कहते हैं, और जिस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपके इसमें बुक के अंदर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, और एक्सरसाइज है 10.1। एनसीईआरटी से मैंने ये प्रॉब्लम्स लिए हैं आपको समझाने के लिए कि एनसीईआरटी से कि आप वेक्टर और स्केलर पहचाने। तो पहला और दूसरा, चलिए आपसे पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये हो गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और कितने किलोमीटर है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बनाया था 40 का। तो ये आप ऐसे ऐसे करके चार सेक्शन बना ले, और एक सेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 किलोमीटर है, और ये टोटल हो गया आपका 40 किलोमीटर। तो ये आप यहाँ पर हो, ये आ गया आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। तो इस जगह आपकी पोजीशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछते हैं आपसे कि कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो मैं वेक्टर और स्केलर के बाइफर्केशन के लिए दो कॉलम बने हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कौन सी वेक्टर होगी और कौन सी स्केलर होगी। तो आपको एक छोटा सा जजमेंट और बढ़ेगा आपका। 10 kg, मैंने जैसा बोला था किलोग्राम, ये स्केलर है। अब आपका बोला है 2 meters northwest, तो ये कैसी होगी, वेक्टर हो गई, क्योंकि इसके साथ यूनिट भी बताई, ये डिस्टेंस के साथ क्या बताई, डायरेक्शन भी बताई है इसलिए। अब जो आपका है 40 डिग्री, ये आपका डिग्री है। अब वो 40 डिग्री यूं भी हो सकता है, 40 डिग्री ऐसा भी 40 डिग्री हो सकता है, आपका 40 डिग्री इधर भी बन सकता है, तो ये किधर भी बन सकता है, इसलिए ये स्केलर है। और 10 to the power 19 coulomb। अब ये कूलम जो यूनिट है किसकी यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। आपको सारी फिजिक्स क्वांटिटी याद नहीं रखने की ज़रूरत है, बेसिक जो इसमें है वो देख लें। अब अगला है 20 meter per second square, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, इसकी है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये वेक्टर कैटेगरी में चला गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे फिर पूछते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो वो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूं कि उसमें भी आप याद रखें कि पहला क्या है, टाइम है। तो टाइम हमेशा स्केलर होता है, और डिस्टेंस भी स्केलर है, इसी की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो वेक्टर बन जाता। फोर्स मैंने आपको बताया है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स, क्योंकि फोर्स के साथ डायरेक्शन बताना होती है। वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क डन आपका स्केलर है, वर्क डन ये आपका स्केलर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखेंगे, 4 में उन्होंने एक फिगर दिया हुआ है। तो फिगर जानने से पहले आप पहले इनिशियल पॉइंट समझ लें कि को इनिशियल क्या होता है। तो इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है। जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, तो ये इसका कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल होगा, और ये इसका पॉइंट होगा टर्मिनल।
अब को इनिशियल है, इसका मतलब दोनों का एक ही पॉइंट होगा। ये जैसे भी वेक्टर है तो ये इसका दोनों का कैसा है, तो ये कैसा है, को इनिशियल है। ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए, को इनिशियल वैक्टर्स हो गए। ये दोनों को इनिशियल, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे वेक्टर हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हो गए, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। इनको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो आपसे एक फिगर बना के उन्होंने कहा है कि को इनिशियल वेक्टर्स पहचानना है, और आपको मैं पैरेलल वेक्टर का भी कंसेप्ट सिखाता हूँ, इक्वल वेक्टर का भी कंसेप्ट सिखाता हूँ। तो आप पहले पैरेलल वेक्टर जान जाएं। तो पैरेलल तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। आप दिख रहे होंगे कि दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि जैसे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है कि दो लाइंस कैसे पैरेलल, तो दो वेक्टर्स कैसे पैरेलल होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब अगर ए वेक्टर के जैसा ही मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर और बना दिया, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, अभी डायरेक्शन ऐसी है, अब डायरेक्शन बदल दी, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। इस वेक्टर का नाम हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर की जितनी डायरेक्शन है उतनी डायरेक्शन का एक और वेक्टर बना दिया यहाँ पे, ठीक है, उतनी वेक्टर का। तो ये नॉट ए वेक्टर, ये कैसा हो जाएगा, नॉट ए वेक्टर। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, इट इज नॉट ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, नॉट ए वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। और पैरेलल और भी हो सकते हैं, एक और पैरेलल में बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने, ये ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के इक्वल है, या ए वेक्टर बी तो यूज़ कर लिया, तो ए वेक्टर अगर सी वेक्टर के इक्वल है, तो दोनों की क्या सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, डायरेक्शन ये एरो से ही पता चल जाती है कि डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है। ये देखो आप, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि ये कितने मैग्नीट्यूड का है, मान लीजिए कि ये 5 मैग्नीट्यूड का है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का है, तो ये कितने मैग्नीट्यूड का है, ये भी 5 का है, पर वो ए वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये नॉट ए वेक्टर। थोड़ी भी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो ए वेक्टर नहीं रहेगा। ए वेक्टर रहने के और बी वेक्टर सेम होने के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी क्या होना, सेम, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो होगा। अब ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक ए वेक्टर होगा और दूसरा कौन होगा, माइनस ए वेक्टर होगा। तो ये जो फिगर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, इससे काफ़ी बातें क्लियर हो गई। आप देखिए उसकी डिज़ाइन पे जाएं, एक एरो ऐसा आया है, यहाँ एक एरो ऐसा है, एक एरो ऐसा है, ये ए वेक्टर लिखा है, एरो, एरो बीच में भी लगा सकते हैं, आखिरी में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ये एरो ही बताता है कि किस तरफ जाना है अपने को। और देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर है। तो आपको किसकी तरफ जाना है, तो देखिए ए इसका को पहले पूछा उन्होंने कि को टर्मिनल, को टर्मिनस या को टर्मिनल, क्या पूछा है, को टर्मिनस, को इनिशियल, सॉरी को इनिशियल भी एक ही चीज़ है। तो को इनिशियल यानी जिनका पीछे का पॉइंट एक जगह से स्टार्ट हो, तो ये वाला पॉइंट एक जगह से स्टार्ट है, ऐसा दिया नहीं उन्होंने पॉइंट बना के, पर इसकी स्टार्टिंग यहीं से, ऐसे तिरछा नहीं, ऐसा नहीं जा सकता है वेक्टर, वेक्टर सीधे ही जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये देखिए ये भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, इनका
सोर्स एक ही है क्योंकि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये इधर ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों को इनिशियल नहीं है, को टर्मिनस भी बोलते हैं, मैंने जैसा यूज़ किया को इनिशियल भी ठीक है। और ये देखिए इनका टर्मिनल एक है, टर्मिनल एक है ना, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। और दूसरा पूछ रहा है वो कि इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए आप देखिए कि इक्वल वेक्टर्स हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल 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 में क्या होगा, डायरेक्शन भी सेम हो, देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसी है पर इसकी डायरेक्शन ऐसी है, उल्टी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी वेक्टर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब आपके पास है एक और कंसेप्ट है उसमें, कि एक नई चीज़ है उसमें कि आपके पास है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल मतलब एक लाइन पे हो पर इक्वल ना हो, इक्वल ना हो पर कोलिनियर हो। तो ध्यान से देखो कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो मैं पहले आपको कोलिनियरिटी की बात बता दूँ। कोलिनियरिटी की बात होती है कि दोनों एक ही लाइन में हो, जैसे ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, ये है, इसको भी क्या बोलेंगे आप, ए वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि कैसा है ये पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। ये कैसा बोलेंगे अपन इसको, इसको भी क्या बोलेंगे, पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड। ऐसे कितने वेक्टर्स अपन बना सकते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स हम बना सकते हैं इसके पैरेलल इक्वल। कोई कोइंसाइडिंग इसके ऊपर अगर बना देंगे, इसके ऊपर भी बना सकते हैं क्या, हाँ, तो इसके ऊपर एक बनाइए और इसको भी बना दिया। और एक और बात आप याद रखो कि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको मूव करा सकते हैं, वेक्टर्स कैन बी मूव्ड, वेक्टर्स देखो आप ये सब ए वेक्टर हैं, कैसे मूव करेंगे, पैरेलली मूव करेंगे, तो पैरेलली मूव करेंगे तो ए वेक्टर यहाँ बना, एक ए वेक्टर यहाँ भी बना सकते हैं क्या, यस इट कैन बी डन, ऐसा भी बना सकते हैं। ये भी ए वेक्टर है, देखिए आप इक्वल मैग्नीट्यूड का है और पैरेलली एक ही लाइन पे, तो वो जो वहाँ बना हुआ है वो यहाँ पर भी आ जाता है, तो इसका मतलब ये कैसे हो जाते हैं, पैरेलल भी हो जाते हैं। और दो वेक्टर जैसे ये ए वेक्टर है और ये भी कैसा है, ए वेक्टर है, ये दोनों कैसे हो गए, आ गए ना एक ही लाइन पे आ गए, जब हम शिफ्ट कर देंगे तो एक लाइन पे आ जाएंगे। तो ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर को शिफ्ट करके हम यहाँ भी ला सकते हैं, सी वेक्टर को शिफ्ट करके, देखो सी वेक्टर को हम शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है उन्होंने, आप बहुत अच्छे से समझना, ये बात हो सकता है आपको थोड़ी देर से समझ में आए लेकिन मैं आपको पूरी बात अच्छे से समझा देता हूँ। कोलिनियर नॉट इक्वल, इक्वल होंगे तो क्या होगा, जैसे ये दोनों इक्वल है, क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता है, इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता है, तो जब ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। इसको जब मैं इसके ऊपर ओवरलैप कराऊंगा, तो ओवरलैप कराऊंगा तो क्या होगा, ओवरलैप कराऊंगा तो डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, तो ये एक लाइन में तो आ जाएगा ना भाई, ये वेक्टर, वेक्टर्स मूव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सी वेक्टर है, ये क्या चीज़ है, ये भी सी वेक्टर है, ये क्या चीज़ है, ये भी सी वेक्टर है, ये माइनस सी वेक्टर है, चलिए मान लीजिए माइनस सी वेक्टर है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दी, अभी कैसा है, सी वेक्टर है, ये कैसा है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दी तो माइनस सी वेक्टर है, ये इसके ऊपर जब इम्पोज कर देंगे ले जा करके, जब इसके ऊपर इम्पोज कर देंगे तो ये सी वेक्टर ही बन जाएगा, लेकिन इसकी एरो इधर की तरफ हो जाएगी। तो वैसे भी देखने से भी आपको पता चल रहा होगा कि ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर किसके बराबर, माइनस सी वेक्टर के बराबर है। मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, जो पैरेलल, ये ए वेक्टर है, एक और वेक्टर बना दिया मैंने, बी वेक्टर बना दिया, पैरेलल है, अब मैं बी वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता हूँ, तो जब वो इसके ऊपर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा,
थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसका साइज, ये जो ये डॉटेड डॉटेड है ये कैसा है, डॉटेड वाला भी वेक्टर है, तो आ गए ना दोनों एक ही लाइन पे। तो दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो कोलिनियर तो होते ही होते हैं, तो बी वेक्टर और डी वेक्टर भी कोलिनियर है, पर उसमें ये लिखा है कि कोलिनियर तो होना चाहिए पर वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर और डी वेक्टर भी कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अभी तो देख रहे हैं हम कि ये दोनों अलग अलग लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये सारे वेक्टर सेम ही होते हैं। आप एक वेक्टर के पैरेलल, ये वेक्टर है, ये मान लीजिए ये पी वेक्टर है, इसके पैरेलल ही इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, इसको भी बोलेंगे पी वेक्टर, आपने ऊपर बना दिया पैरेलली, ये है ना इसके पैरेलल, ये भी क्या होगा पी वेक्टर, इसको उठा के यहाँ लाए, ये भी क्या बन गया आपका पी वेक्टर, आ गए ना ये एक ही लाइन पे। तो इसका मतलब है कि पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो कोलिनियर भी होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, पैरेलल जो होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। वो कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, लाइन में ऐसा नहीं होता है। लाइन आपने देखी होगी, ये जैसे लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइन है, दोनों लाइंस हैं। अब लाइंस कैसी होती है, लाइंस सरका नहीं सकते हैं, लाइंस आर इमूवेबल, वेक्टर्स आर मूवेबल, ध्यान समझना। 3D में जब आप जाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट का रियलाइजेशन होगा कि लाइंस आर इमूवेबल, प्लेन्स आर इमूवेबल बट वेक्टर्स आर मूवेबल। तो ये लाइंस कैसी हैं, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, पर ये दोनों लाइंस कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है क्योंकि एक अलग अलग जगह पे और एक अलग जगह पे। वेक्टर में ऐसा कैसे होता है, क्योंकि वेक्टर्स मूव कर सकते हैं, तो वेक्टर जब मूव कर सकते हैं तो ये सी वेक्टर को मैं मूव करा के इसके ऊपर ले जाऊंगा, तो ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, ये दोनों भी कोलिनियर हो जाएंगे, पर ये कोलिनियर होने के साथ साथ इक्वल हो जाएंगे। और हमसे पूछा है कि कोलिनियर होना चाहिए बट नॉट इक्वल होना चाहिए, तो इतनी सी बात थी दोस्तों। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, होपफुली ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप उसको समझते हैं, और अच्छे से अगर आपने इसका डिस्क्रिप्शन समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे, और आपका बेसिक अगर एक बार बन गया तो फिर आप कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। और वेक्टर में ऐसी कोई खास बात है नहीं, केवल ये सोचने से और देखने से डर लगता है, पर करने से इसमें कोई डर की बात नहीं है। अब पहला सवाल है फिफ्थ का, मैं देखिए फर्स्ट ट्रू फॉल्स में देना है आपको, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। तो अभी मैंने बताया कि ये कोलिनियर होते हैं क्योंकि ए वेक्टर ये है, माइनस ए वेक्टर ये है। अब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो वो एक लाइन पे आ जाएंगे, ये जब ये उसके ऊपर कर ले या वो इसके ऊपर कर ले, तो ये कोलिनियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ये आंसर आपका ट्रू हो गया। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इन ऑल और ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन था इसका, और दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि जो टू कोलिनियर है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे तो नहीं, मैंने बताया था आपको ये एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है बी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड अलग है, इसकी मैग्नीट्यूड अलग है। जब मैं इसको इसके ऊपर सरकाऊंगा, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो ये बी वेक्टर बन जाएगा, और ए वेक्टर को जब यहाँ रख दूंगा तो यहाँ ए वेक्टर आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा वो, यहाँ से लेके यहाँ तक ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है क्या मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ये टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो आंसर इसका रहेगा फॉल्स। अब तीसरा है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो मैंने आपको बताया था कि सेम मैग्नीट्यूड का, ये पहला था ये दूसरा था, अब वापस इसको मिटाना पड़ेगा। थर्ड वाला जो पार्ट है इसका कि मैग्नीट्यूड कैसा है उनका, सेम है तो क्या वो कोलिनियर होंगे, तो आपको भी आंसर समझ में आ गया होगा कि नहीं भाई, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर,
मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट्स है। जैसे ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट्स। अब आप इसको ले जाके रखोगे इसके ऊपर, तो वो क्या एक लाइन में फिट थोड़ी बैठेंगे। वो जब एक लाइन में फिट नहीं बैठेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो आंसर हो गया फॉल्स। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं और मैग्नीट्यूड उनका सेम है, तो दो कोलिनियर वेक्टर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको सिक्स्थ का, ओ सॉरी फोर्थ पार्ट का आंसर। दो कोलिनियर वेक्टर, एक ये वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है पी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है माइनस पी वेक्टर। पी वेक्टर भी होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी देखो आप तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और तीनों कैसे हैं, तीनों की तीनों कोलिनियर है, तीनों की तीनों क्या है, कोलिनियर है। अब ये कह रहा है कि आपको टू कोलिनियर वेक्टर्स की कोलिनियर हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वो इक्वल होंगे क्या। तो आप इन दोनों को देखिए कि इन दोनों को, ये और ये कोलिनियर भी है, ये भी कोलिनियर, ये और ये एक ही चीज़ है, कोलिनियर भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर क्या पी वेक्टर और माइनस पी वेक्टर बराबर होंगे, नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो गया, फॉल्स आ गया। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो हमने सॉल्व की है, इसका नाम है 10.1। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी जिसमें आपको बेसिक बातें जो वेक्टर से रिलेटेड थी वो सारी वेक्टर से रिलेटेड बेसिक बातें बताई। तो आपने ये बातें जानी और वेक्टर्स की छोटी मोटी जो बेसिक बातें समझी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर की लेंथ। तो आप मेरे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से बात करें। और आपको 12th क्लास 11th क्लास जेई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट।